नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 9 जून और आपको इन सबके पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके ये पीडीएफ को ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये फ्री नहीं है, ये आपको पेड ही मिलेंगी। कई बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इसको आपको एकदम क्वेरी को आंसर कर दूं कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज नहीं मिल पाएगी। चलिए आते हैं हम लोग आज के आर्टिकल्स की तरफ। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है स्मार्ट बैंडेज, दूसरा है इंडिया की रैंकिंग 2023 की, फिर है भारत अमेरिका का रक्षा कॉरिडोर, मोघरा योजना, रेलवे में इंटरलॉकिंग सिस्टम, उत्तर पूर्व सुरक्षा चुनौती। सबसे पहला है हमारा स्मार्ट बैंडेज। अभी स्मार्ट बैंडेज क्या चीज है? अभी क्या है कि जैसे आपको पता है कि बैंडेज का मतलब क्या होता है, जब चोट लग जाती है तो पट्टी हो उसके ऊपर। तो कभी कभी जिस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, किसी में ब्लड सप्लाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, या कभी भी नर्व में कोई डैमेज हो गया, या इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। इम्यून सिस्टम समझते हैं कि भाई हमारी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की शक्ति, तो ये सब चीजें जो होती है ना ये आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करती है ना। तो इन सब के बावजूद आपके जो पुराने घाव होते हैं वो कभी ना कभी रह जाते हैं और ठीक नहीं होते। तो अभी यहाँ पर एक ऐसा बैंडेज बनाया जा रहा है जो बहुत ही स्ट्रेचेबल होगा, मतलब कि खिंचाव होगा, जिससे क्या होगा कि पट्टी और त्वचा का संपर्क बनाए रखने और चिपकाने में उसमें काफी मदद भी मिलेगी। और इस तरीके से वो एक स्मार्ट बैंडेज के रूप में काम करेगा जिसमें ऐसे बायो सेंसर लगे होंगे जिसकी सहायता से आप घाव के रिसाव में बायो मार्कर की निगरानी आराम से कर सकते हैं। और जो भी उससे डेटा कलेक्ट होगा वो आप आराम से जो है वो आप पूरा चेक कर सकते हो उसके थ्रू, अपने फोन से या अपने टैबलेट से कनेक्ट करके ये देख सकते हो कि भाई उससे जो पूरा आ रहा है वो सब कुछ सही है या नहीं है। एक रॉड से थ्रू कनेक्ट होगा जो कि वायरलेस होगा, और इससे क्या है वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो एक स्मार्ट बैंडेज होती है ना, जैसे आज के समय में आपको पता है कि स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं। स्मार्ट वॉचेस से क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि भाई हमारा अभी का SpO2 क्या चल रहा है, हमारा अभी ब्लड का जो सर्कुलेशन रेट है वो कितना ज्यादा चल रहा है। तो ये सारी चीजें अपने को आराम से पता चल जाती है कि कितना कितना क्या परसेंटेज किस चीज का चल रहा है, पता चल जाता है ना। तो भाई जैसे स्मार्ट वॉच पहनते हैं, फोन हम इस्तेमाल करते हैं, फोन से सब कुछ पता चल जाता है, उसी प्रकार से एक स्मार्ट बैंडेज है, अगर आपने कभी वो बांधी हुई है तो आपको सारा पता चल जाएगा कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, कहाँ पे चोट लगी हुई है, कितना ठीक हुआ है, वो सब कुछ आपके फोन में सारी चीजें प्रिंट करके बता, ठीक है। और इससे ये भी पता चलेगा कि भाई आप कहाँ पे टिश्यू में रीजनरेशन है, स्किन में कहाँ पे करना है, कहाँ पे आपको जो है वो सूजन आई हुई है, कहाँ पे मेटाबॉलिक इशू है, कहाँ पे इंफेक्शन हो रखा है, सारी चीजों की जानकारी आपको बिल्कुल सटीक एक तरीके से मिलनी शुरू हो जाएगी। और इससे ये भी पता चलेगा कि जो आपका घाव है ना वो जल्दी भरना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दी जाएगी, जब यहाँ पर विद्युत उत्तेजना दी जाएगी उसके माध्यम से ये पता चलेगा कि भाई वो जो हीलिंग है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी और वहां पर जो भी स्कार्स हैं वो जल्दी भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो अपना एक स्कार भी नहीं छोड़ेंगे, अपना एक निशान भी ना छोड़ के वो जल्दी भरने शुरू हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं स्मार्ट बैंडेज। तो ये इस तरीके से काम करेगा, वायरलेस होगा, ठीक है। पुराने जो भी वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो कनेक्शन वगैरह वो क्लिनिकल यूज सब कुछ थोड़ा कम करके इस तरीके से काम करेगा। उसमें सेंसर्स लगे होंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, चाहे वो इन्फेक्शन की हो चाहे वो सूजन की हो, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन भी हमको देने के लिए वो कामयाब। तो इस तरीके का एक सिस्टम है, आप समझ सकते हैं काफी अच्छा सिस्टम है ये, जो है काफी बढ़िया सिस्टम एक चलाया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये पूरी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, तो इजी है ना, याद हो जाएगा सबको। तो ये भी आप एक अलग से पढ़ लेना भाई।
इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए भाई अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हम लोगों का इंडिया की रैंकिंग 2023 की। अभी यहाँ पर नई दिल्ली में राजकुमार रंजन सिंह ने, यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने यहाँ पर एक जो है एजुकेशन की रैंकिंग निकाली है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रैंकिंग में उन्होंने क्या खास बात के बारे में बताया है। तो उन्होंने रैंकिंग वगैरह के हिसाब से क्या क्या नई नई चीजों के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है, हमको वो पढ़ना है कि भाई इनमें क्या उन्होंने खास यहाँ पर चीज बताई है। तो देखिए भाई, इन्होंने रैंकिंग में ये बताया कुछ इस प्रकार से कि जो रैंकिंग चल रही है एजुकेशन के मामले में, बता रही हूँ मैं, एजुकेशन के मामले में कुछ खास रैंकिंग इन्होंने इस तरीके से बताई है। इन्होंने बताया कि भाई एजुकेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको रैंकिंग ये वाली, हाँ ये रैंकिंग देखिए भाई, इन्होंने बताया है आईआईटी मद्रास जो है वो पूरे उसमें टॉप करा है सबसे ज्यादा। आईआईटी मद्रास में जो है, आपको पता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह सारी चीजें करवाई जाती हैं, तो आईआईटी मद्रास इसमें हर तरीके से टॉप किया है। इंजीनियरिंग के माध्यम में अगर हम बात करें तो काफी अच्छे से टॉप किया है इन चीजों में। उसके अलावा और चीजों के अगर हम देखें तो और चीजों में आईआईटी आईएस आईआईएस बैंगलोर जो है वो टॉप किया है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में। अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की हम स्पेशली बात करें तो उस कैटेगरी में ये टॉप किए। उसके अलावा आईआईएम अहमदाबाद, उन्होंने टॉप किया है। आईआईएम अहमदाबाद ने, उन्होंने भी अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा सारा जो है वो टॉप किया है, ठीक है, मैनेजमेंट के काम में, क्योंकि आईआईएम मैनेजमेंट के लिए देखता है। उसके बाद एम्स जो है वो मेडिकल में टॉप रहा है। ये आप लोगों को पता ही है कि एम्स जो है वो अपने आप में मेडिकल के पूरे उसमें टॉप पे रहता है, ऑलमोस्ट जो है ये हमेशा ही टॉप पे रहा है, कमी आज की बात नहीं है। फिर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में भी यहाँ पर जामिया हमदर्द को सेकंड मिला है। मिरांडा हाउस, अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ कि इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, मिरांडा हाउस नंबर 1 पे कॉलेज है। आईआईटी रूरकी भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉलेज में से रहा है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये भी टॉप में रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआईटी कानपुर इनोवेशन की कैटेगरी में। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज ये काफी सारी चीजों में जो है वो टॉप करता हुआ आपको मिलेगा। ये रैंकिंग है, हमसे जो है इसमें सीधा एक वन लाइनर सवाल बनेगा, इसके ऊपर बनेगा भी तो सीधा वन लाइनर सवाल बनेगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, आपको वन लाइनर इसमें क्वेश्चन बन सकता है। वापस आते हैं देखने में कि और क्या क्या चीजें हैं। भाई देखो, ये पूरी जो रैंकिंग है वो यहाँ पे निकाली गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में कौन सी रिसर्च, कौन सी इनोवेशन, कौन सी किस चीज में कैटेगरी में टॉप कर रही है, कौन से एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे हैं। टूल की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई किस चीज में कौन सी जगह पे क्या चीज सर्व की जाती है, ठीक है। तो ये सर्व करने के जो चीजें हैं वो हमको यहाँ पर आराम से पता चल जाती है। यहाँ पर अलग अलग रैंकिंग्स हैं, इसके अंदर एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जैसे कि एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट्स, उसके हिसाब से पूरा एग्रीकल्चर की जानकारी वगैरह भी हमने ली है कि एग्रीकल्चर में हमारा किस तरीके से चल रहा है। इनोवेशन की रैंकिंग में, क्योंकि अटल इनोवेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं तो इनोवेशन की रैंकिंग में अपने को पता चला। अभी आर्किटेक्चर को भी नया आया है एक सब्जेक्ट, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, तो उसके बारे में भी हम काफी चीजें जान गए हैं कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जो है वो हम अर्बन एरियाज में, टाउन प्लानिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कैटेगरीज नई ऐड हुई है जिससे नई तरीके से रैंकिंग हमें पता चली है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से रैंकिंग है, आपको इसको एक बार स्टडी करना है रैंकिंग्स के बारे में। और ये जो रैंकिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पूरा तैयार करती है, साथ साथ में ही नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये पूरा। तो ये दो है यहाँ पर जो इस पूरे को यहाँ को इम्प्लीमेंट करवा के हमें पूरा बताती है। क्लियर हुआ भाई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। थर्ड आर्टिकल पे बढ़ते हैं हमारे, वो है इंडिया और यूएस का डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, मतलब कि इंडिया और यूएसए में हम डिफेंस के मामले में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या डिफेंस के मामले में हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अभी इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह,
और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने मिलकर के यहाँ पर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को साइन किया। क्या मतलब है इसका कि भाई आगे आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे कंट्री में क्या प्रोडक्शन करने वाले हैं, कहाँ पर क्या इंप्लीमेंट करने वाले, मतलब डिफेंस के मामले में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि डिफेंस में इंडिया और यूएसए ने हाल फिलहाल के कुछ टाइम पीरियड में काफी सारी इंप्रूवमेंट करी है, एक दूसरे की नीड्स को पहचान करके इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे सपोर्ट करना, डिफेंस के स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट किया है दोनों ही कंट्रीज ने, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है, दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट प्रोवाइड करी है कि भाई एक दूसरे की सिक्योरिटी वगैरह के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट किया है। जानते हैं ना इस बात को सब, अभी हाल फिलहाल में काफी सारी इसके लिए हुई है चीजें, जैसे कि क्वाड शुरू हुआ था इसके लिए, क्वाड के ही उसमें एक एक्सरसाइज परफॉर्म करी है मालाबार, तो ये एक्सरसाइज हमने अभी तैयार करी है। दोनों ने देखा है कि भाई इस पूरे रीजन में हमें क्या जरूरत है, इंडिया और पैसिफिक दोनों रीजन में एक पीस और स्टेबिलिटी को, शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर रॉबस्ट बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मतलब कि मजबूत करने की कोशिश की है। और एक चीज मैं बता दूं, साथ साथ ऐसा नहीं कि अभी ही ये चीज करी है, इससे पहले एक अग्रीमेंट मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया और यूएसए के बीच में चार जो हैं वो फाउंडेशनल मिलिट्री अग्रीमेंट साइन हो चुकी है, जिसमें से पहला है जसोमिया, ये साइन हुआ था 2002 में। उसके बाद लिमोआ साइन हुआ था, ये दो अग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में। तीसरा अग्रीमेंट साइन हुआ था कॉमकासा, और चौथा अग्रीमेंट साइन हुआ था बैका। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहा है तो मेंस के लिए आपको इन अग्रीमेंट्स को पढ़ के जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया यूएस के डिफेंस के स्ट्रक्चर या फिर डिफेंस में क्या कोऑपरेशन है उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है मेंस के लिए। तो आप इन चारों अग्रीमेंट्स को लिख लो, ये बैका 2020 में साइन हुआ था, तो ये चार अग्रीमेंट्स है जो कि इंडिया यूएस में साइन किए गए हैं कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये चार अग्रीमेंट्स हैं, इन चारों की इंपॉर्टेंस अपने आप में अच्छी खासी है, तो इसको भी आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा मोगरा स्कीम, ये आपको पढ़ के जानी है प्रीलिम्स, मतलब कि जो हमारा पेपर वन होता है ना उस चीज के लिए, क्योंकि इसमें मेंस के लिए कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अभी हमारी मोगहरा स्कीम, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने जितने भी रूरल एरियाज में गरीबों के नई नई साख से संबंधित आवास योजना की घोषणा की है। मोगहरा का मतलब माई होम, ठीक है, हर एक का अपना घर होगा। इसके अंदर जो भी अभी ऐसी फैमिलीज है जो पी जो आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, जी जी का मतलब ग्रामीण होता है, तो ग्रामीण लोगों को जिनको ऑलरेडी नहीं मिला है सही तरीके से सारी चीजें, ये उनके लिए किया गया है, जिनको इनसफिशियंट एलोकेशन हुई है, अपर्याप्त तरीके से सारे घरों की आवंटन हुआ है, ये उनके लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, उन्हीं लोगों के स्पेशली ये काम करेगा। अब इससे क्या होगा, इस स्कीम के अंतर्गत 2 साल की अवधि में 2,150 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत दी गई है, और इसे राज्य के बजट के वित्त में ही दिया जाएगा, मतलब राज्य से ही दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर। यहाँ पर आप जो है 3 लाख तक का लोन भी ले सकते हो, जो आप आगे आने वाले 10 सालों में चुका सकते हो। ईएमआई भी दे सकते हो आप, मतलब इस तरीके से आप रीपेमेंट जो है, मतलब जो दोबारा से पुनर्भुगतान होता है वो आराम से कर सकते हो। ऐसी फैमिली जो कि आज के समय में कच्चे घर में रह रही है, जिसके पास अपनी पूरी पक्का मकान नहीं है, पक्का यहाँ पर छत नहीं है अपने सर के ऊपर, तो वो यहाँ पर मोघरा स्कीम ओडिशा में रहते हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी फैमिली है जिनके पास 4 व्हीलर, मतलब कार है उनके पास, या ऐसी कोई परिवार है जो गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है, या 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है उनके पास, वो ये लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोघरा स्कीम किसके लिए है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये बेसिकली ओडिशा में है, ये आपसे मतलब पता होना चाहिए क्या है स्कीम के बारे में।
मेंस में तो देखो इससे कोई सवाल नहीं बनेगा, मेंस में तो कोई स्पेशल नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल के तौर में आप दे सकती हो। एग्जाम्पल में आपसे पूछता है कि ग्रामीण इलाकों में क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे है, तो एग्जाम्पल में तो आप बता सकते हो इस चीज को, वो कोई इशू नहीं है। पर वैसे मेंस में कोई मोहघरा स्कीम पे सवाल नहीं बनेगा, जब तक ओडिशा का पेपर नहीं दे रहे हो आप, उसकी बात अलग है। ठीक है भाई, चलिए अगला है हमारा। अभी मैंने आपको कवच के बारे में भी बताया था पिछले लेक्चर में, अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम रेलवे के अंदर। ठीक है भाई, अभी आपको पता है उड़ीसा के बालासोर में जो है कितने लोगों की जाने गई हैं, कितने लोगों को यहाँ पर जो है मतलब आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, तो उस प्रकार से लोगों के लिए एक सुविधा का सिस्टम, जो असल में पहले कवच है, कवच तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, अब एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे लेकर के आया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई मतलब कैसे पता चलेगा कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें ट्रैवल कर रही हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, रेलवे सिग्नलिंग सिग्नलिंग सिस्टम चलता है ना, कि सिग्नल दिए जाते हैं, सिग्नल दिए जाते हैं कि भाई एक एक ट्रेन यहाँ ट्रैवल कर रही है, एक ट्रेन वहां ट्रैवल कर रही है, तो सिग्नल दिया जाता है। तो रेलवे का जो सिग्नल का सिस्टम होता है वो एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है कि भाई ट्रेन की मूवमेंट्स रेलवे ट्रैक्स पे कैसे हो रही। तो ये एक ऐसा तंत्र होता है जिसके माध्यम से ट्रेनों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि भाई एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन ट्रैवल ना कर रही। और ये प्रणाली संकेत और बिंदुओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो जो आपको विद्युत या दोनों से परस्पर जुड़ी हो सकती है। तो ये एक तरीके से एक ऐसे अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है पूरा। ठीक है ना, बस आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकली दो जो चीजें हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगी, जिससे हमको ये समझ में आता रहेगा कि एक ट्रेन जो है वो दूसरी जंक्शन पे ट्रैवल ना करे और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के रास्ते में गलती से भी ना आ जाए। इसे अभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यही होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करके दो ट्रेन के पूरे जो भी ट्रैकिंग वगैरह है उसको हम ट्रैक करके जान सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को, जिसमें एक ट्रेन तभी आगे बढ़ेगी जब रास्ता साफ होगा। ठीक है, पुराने सिस्टम के अलावा ये एक सिस्टम है जिसमें दो ट्रेन जो है यहाँ पर आपस में टकराने से रुक सकती है। ठीक है भाई, तो इसे सिग्नल्स और ये सब डिपार्टमेंट संभाला जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं, पहले तो सिग्नल दिया जाता है, वो पूरी तरीके से पहला तो सिग्नल ही होता है इसमें, सिग्नल जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए, जैसे ट्रेन को रुकना है तो लाल बत्ती देगा, आगे बढ़ना है तो हरा देगा, सावधानी बरतना है तो पीला देगा, वो सिग्नल आपको पता ही है जैसे होता है। फिर एक ट्रैक सर्किट होगा जो कि ये पता लगाएगा कि जो भी यहाँ पर पटरी चल रही है मतलब उस पर आराम से चल सकते हैं या नहीं, वो उस पटरी पे क्या कोई और ट्रैवल तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई और ट्रेन तो नहीं है, मतलब कि वो रास्ता साफ है या नहीं है, कहीं और ट्रेन तो नहीं है उसके अंदर ऑलरेडी, तो वो रास्ता साफ है या नहीं है उसको चेक करने के लिए होता है। पॉइंट स्विच, ट्रेन की पटरी को बदला जाता है ट्रैक को, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई और ट्रेन है यहाँ पर, तो उसमें जो है ट्रेन को कभी भी लाइन चेंज करनी है आपको, तो वो यहाँ से चेंज कर सकती है, दो ट्रेनें आपस में टकराने से बचाने के लिए, या फिर कभी भी ट्रेनों को रास्ता चेंज करना तो वो इसके माध्यम से यहाँ पे रास्ता चेंज कर सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेन को कब आगे बढ़ना है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से सारी चीजें पता चलती हैं। ट्रेन यहाँ पे चेक करती है, ट्रेन से चेक किया जाता है कि वो ट्रेन इसी ट्रैक पे है या फिर दूसरे ट्रैक पे है, और इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर संबंधित ट्रेन को जंक्शन पर उपलब्ध ट्रैक के माध्यम से वहां से हटाया जाता है, और ये पूरा एक सर्किट जो है वो बनाया जाता है, इससे हर चीज स्थापित की जाती है। ठीक है भाई, तो इससे पूरी पूरी ये चीजें जो है वो यहाँ पर चेक कर दी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर पूरा लगा करके, डेटा लॉगर लगा करके सारी चीजें चेक की जाती है, और ये देखा जाता है कि ट्रैक अधिभोक मतलब कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पर पटरियां हैं, कहाँ पे सेंसर लगा सकते हैं, कहाँ पे चीजें हो सकती हैं, एक्सल काउंटर्स, सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाती है।
तो ट्रेन को, ट्रेन की पहिए कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, वो कोई दिक्कत तो नहीं दे रहे हैं, कुछ इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं सेफ्टी के हिसाब से पूरा ये चलता है। इसे हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये जैसे कवच तो अलग है, कवच तो बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है, कवच का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी था, कवच एक अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई ये फेल सेफ सिस्टम है, अगर कभी ये प्रणाली सही नहीं भी बैठ पाती ना, अगर खराब भी हो जाती है, तो फिर भी यहाँ पर जब सिग्नल लाल हो जाएंगे ट्रेन वहीं पर रुक जाएगी और उसका संचालन आगे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्रेन वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है काफी जगह पर इसको अभी तक बना दिया गया है, 45.5% हिस्से में अब तक शामिल है ये, करीब 3,000 स्टेशन है इसके अंदर जिसमें ये लगा दिया गया, बाकी हर स्टेशन में अभी तक इस पूरे को स्टार्ट नहीं किया गया। पूरी जगह पे आज भी इसको इस्तेमाल, मतलब पूरी तरीके से इसको लेस नहीं कर दिया गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप अपने इस एक इसको भी याद रख सकते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी चैलेंज। मिजोरम में शरणार्थियों के आने से राज्य की सुरक्षा का मुद्दा काफी उठ गया है। मिजोरम में म्यांमार, कभी बांग्लादेश से रेफ्यूजीज का आना जाना काफी ज्यादा देखने को मिला है, तो उसी की वजह से यहाँ पर जो रेफ्यूजीज का आना जाना है उसकी वजह से जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पूरे रीजन की वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है। उनका ऐसा कहना है कि भाई अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो उससे नारकोटिक्स हो गया, स्मगलिंग हो गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी उस पूरे के लिए, सिक्योरिटी में इशू आ जाएगा ना, सिक्योरिटी काम कैसे करेगी इन चीजों के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी यहाँ पर इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें सिक्योरिटी का चैलेंज बढ़ता जाएगा, और इसके सबसे बड़ा पहला जो है इंसर्जेंसी। क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा, मतलब है भारत का ही पार्ट बिल्कुल है, लेकिन वो आइसोलेटेड रीजन में काउंट करते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि बाकी हिस्सों से थोड़ा सा साइड में है। कई बार वहां पर स्वायत्तता की मांग भी काफी उठती रहती है, मतलब इंडिपेंडेंट होने की मांग काफी ज्यादा उठती है कि हमें नागा मूवमेंट है कि भाई नागालैंड में से नागालैंड को, वो मतलब नागा पीपल को सेपरेट करो। त्रिपुरा में काफी ज्यादा चल रहा था कि त्रिपुरा लैंड को यहाँ पर एक अलग से सेपरेशन करो, तो ये चीजें काफी बढ़ रही है। पड़ोसी देश से कुछ ना कुछ आना जाना लगा रहता है, और मूल निवासियों के प्रतिरोध के यहाँ पर बढ़ती जाती है चीजें, तो ये सब प्रॉब्लम भी है जो कि हमें जो है वो क्रिएट होती है इन सब चीजों के वजह से। तो वहां पर मणिपुर और बाकी सब रीजन में इंसर्जेंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उग्रवादी समूह है उनका भी अस्तित्व काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हैं वो भी आउटसाइडर्स के आने की वजह से बहुत परेशान हैं, जैसे नागालैंड में मेतई है, कुकी है, नागा है, मिजोरम में मिजू है, तो इन सब का ये भी एक प्रॉब्लम काफी क्रिएट होता है। और साथ ही साथ इन लोगों की जो है बिल्कुल गोल्डन ट्रायंगल के साथ ही जुड़े हुए हैं, स्वर्ण त्रिभुज से काफी निकट है। स्वर्ण त्रिभुज का यहाँ पर क्या मतलब है, जो बिल्कुल साथ में कंट्रीज आती हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड गोल्डन ट्रायंगल में पड़ते हैं, तो वहां पर भी इलीगल से काफी ड्रग स्मगलिंग वगैरह की जाती है, तो उन सब चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि जो पूरा रीजन है वहां पर वो ड्रग स्मगलिंग का काफी ज्यादा इफेक्ट में आता है। ड्रग स्मगलिंग सभी लोग समझते हैं राइट, वहां पे काफी ज्यादा ड्रग स्मगलिंग, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल जाना ही इसके लिए जाता है, गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रेसेंट है, गोल्डन क्रेसेंट क्या है, स्वर्ण त्रिभुज है, वो स्वर्ण त्रिभुज भी इसी चीज के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्लस नेबरिंग कंट्री जो म्यांमार है उसमें तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, मैंने बताया होगा कभी ना कभी कि वहां पर खुद के अपने इतने सिविल वॉर चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, मतलब वो लोगों में इतनी स्टेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी, तो उस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। विजनरी लीडरशिप में बहुत प्रॉब्लम है, ट्राइबल कम्युनिटीज में, जनजातीय समुदायों में काफी ज्यादा नेतृत्व का अभाव चल रहा है, और म्यांमार के अक्रॉस में काफी सारे टेररिस्ट कैंप्स लगे हुए हैं। इन सब चीजों की वजह से
जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे चलती रहती है। साथ ही साथ आफ्सपा का काफी मिसयूज होता है। आफ्सपा का मतलब क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये है आर्म्ड फोर्सेस। तो वहां पे कई बार ये बोला जाता है कि इसकी वजह से वहां का जो पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, निर्दोष लोगों को वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ता है, मतलब जिनकी गलती नहीं भी होती, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के चलते। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि अगर किसी के ऊपर शक भी है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जा सकती है। तो उस प्रकार से ये भी एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। सरकार ने इसके लिए क्या लिया? सरकार ने सबसे पहले तो हिली एरिया में डेवलपमेंट किया, वहां पे रोड्स वगैरह बनाओ, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, ताकि वो स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान ही कम दे। तो उसके लिए अलग से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनके लिए सेपरेटली यहाँ पर फंड्स वगैरह और ये सारी चीजों जो है इसको इश्यू करवाने की बात कही है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर उनके यहाँ पर स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज को बनाना, ट्रेड टूरिज्म को, कल्चरल स्ट्रेंथ को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, ये सारी चीजें वहां पर इंक्रीज करी हैं, जिसकी वजह से आसानी से ये सारी चीजें वहां पे जो है वो टैकल की जा सकती है, ये सारी चीजों को वहां पर टैकल किया जा सकता है। फिर तो यहाँ पर जो पूरी सरकार है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट वहां पे करने की कोशिश कर रही है, चाहे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप सभी को पता है, पहले लुक ईस्ट हुआ करती थी, अब लुक ईस्ट से हटा करके एक्ट ईस्ट कर दी गई है, ताकि सिर्फ देखा ही ना जाए भाई एक्ट भी किया जाए। उसके लिए सरकार ने पीएम डिवाइन स्कीम निकाली थी, जिसमें 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे दिया है पूरी की पूरी म्यांमार के लिए। अलग से यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि नागालैंड, असम वगैरह इन सब की प्रोटेक्शन जो है वो अच्छी खासी की जा सके। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय करती है, ताकि जितने भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी चीजें एक्टिविटीज होती हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्म की जा सके। अभी इनके लिए काफी सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम, सिविक एक्शन प्रोग्राम स्कीम, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी स्कीम। तो ये सब स्कीम्स भी यहाँ पर काफी सारी चल रही हैं, जिसके अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए परफॉर्म की जा सकती है। इसमें यहाँ पर नेहरू युवा संगठन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जर्नलिस्ट विजिट, रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी मतलब कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। चलिए भाई, ये आप देख सकते हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न में क्या क्या आता है। टोटल हमारी 8 स्टेट्स आती हैं, जिसमें हमारी ये 7 स्टेट्स हैं और 1 यहाँ पर जो है वो एक ब्रदर आता है इनका, जो कि है सिक्किम। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगी 8, 7 + 1। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीयर टू पीयर लेंडिंग के ऊपर, जिसके अंदर एक वेबसाइट होती है जो कि जो खरीदार होते हैं और जो उधार लेने वाले होते हैं और उधार उदाता होते हैं, दोनों के बीच में एक संपर्क बनाया जाता है। पीयर टू पीयर इसलिए कहा जाता है, जिसमें आप जो भी एक होता है ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके थ्रू आप लोन लेते हो, वो नहीं, यहाँ पर सीधा आप जो तरीके से कोई बीच में नहीं रहेगा। यहाँ पर पीयर टू पीयर जो है वो आरबीआई की परमिशन से होता है, बिल्कुल लीगल तरीके से होता है। सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, एनबीएफसी, यहाँ पर उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है भाई, इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के लिए 2 करोड़ रुपए होती है। तो ये सारी चीजें सही लिखी हुई हैं, अपने आप में सारी इंफॉर्मेशन ये वाली बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये हमारी चारों करेक्ट है। लास्ट आता है हमारा अभी एक्सरसाइज एकता। हाल फिलहाल में एक्सरसाइज एकता जो है वो मालदीव्स के साथ इंडिया ने यहाँ पर परफॉर्म करी है, ये भी एक इंफॉर्मेशन याद रखेगा, क्योंकि न्यूज में है ये सारी चीजें, तो आपको इसमें से सीधा जो है ये याद रखना है कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के साथ हुई थी, उसी प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज एकता, जो मालदीव्स के साथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है, इन सब से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
तो यहां तक कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।